कुआ छोड़ डाल कर तुमने दोड्डी में के बकरे एक तरफ भागे, पूरे उधर ही भागे, तो फिर तुमने तुम्हारी आवाज उठेगा कौन? आज कौन उठा रहा? 3 महीने हो गए इलेक्शन होगी, हिजाब का क्या हुआ? 4% का क्या हुआ? हुबली के बच्चे, बेंगलुरु के बच्चे आज भी जो है 2-2 साल 3-3 साल उसमें 3-4 मर गए। अरे उनको जमीन नहीं मिल रही, यूपा लगे उसके ऊपर, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती? निकाल सकते तुम्हें, कम से कम उनको बेल दो। अरे वो भी नहीं हुआ, गुलबर्गा से उनके गवाह बढ़ला रही, हुबली में बड़ी जेल है, कम से कम वो जेल को तो उनको खाने के मोहताज है बच्चे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। इस बार मुसलमान 13% जनता दल को साथ दिए हैं, पिछले बार सिर्फ 1% दिए थे। इसके बावजूद 30/8 सीट जनता दल जीती थी। अब 13% वोट दे के भी जो है 30/8 से 19 को आ गई। इसकी वजह क्या? वजह जो जनता दल का बेसिक वोट था वो कांग्रेस के तरफ गया, और बीजेपी की जो नाराजगी थी वो मेजॉरिटी हिंदू जो है बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिताओ, एक सबसे बड़ा उनको फायदा मिला। दूसरा जो है उन्होंने जो स्कीम्स बोले, हमें जो स्कीम बोले हमें आवाम तक पहुंचा नहीं सके। खैर पंचरत्न यात्रा करे, लोग आते गए जमते गए, लेकिन उसे वोट कन्वर्ट करने की मशीनरी से हर तालुके में जनता दल को नहीं आती। जो स्कीम्स बोले लोगों को बहुत अच्छा दिख गया, उचिता खचिता फ्री ये वो, अब लोग पछता रहे। 200 यूनिट बोले थे इन्हों, अब 201 यूनिट हुआ तो भी पूरा पैसा भरना, ये लोगों को सरासर धोखा है। 10 किलो चावल कर बोले, उसमें से 5 किलो कट करे, 135 रुपये दे रही गए, 35 रुपये को चावल का मिलता। लेडीज़ को इन्होंने क्या कि फ्री करता हूँ करे, लेकिन जो अल्टरनेटिव ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, आज भूखे मर जा रहे हैं बेचारे वो। अच्छा जो मिशनरी थी, अब इलेक्शन का तो तुमने मालूम है पैसे हैं, वली अल्लाह को लाख खड़ा करे तो भी पैसे होना है। लास्ट 3-4 दिन पैसे ना होने की वजह से भी जो है 32 सीटें हमारे 4000 के अंदर आ रही, 600 से आ रही, 2000 से आ रही। तो ये इन्हों जो अच्छा पहले इलेक्ट्रिसिटी की बिल जो है रुपया आता था, आज 2 रुपये आ रही है, 60 रुपये। अच्छा मामूली चावल लेना तो भी 60 रुपये किलो यार। अच्छा वो 5 किलो भी पूरा दे रहे नहीं, उसमें 3 किलो चावल ले, 3 किलो रागी ले, नहीं तो 2 किलो शक्कर ले, शक्कर लिया तो रागी नहीं, रागी लिया तो शक्कर नहीं, उसमें भी जो है लोग काफ़ी बेचैन है। हमारे जो स्कीम्स तो बेहतरीन स्कीम्स थे, हॉस्पिटल इलाज कराना, गरीब है 20 लाख रुपए बिल हुआ तो भी गवर्नमेंट देती थी, 1 एकड़ जमीन रही किसान को, चंद्रशेखर राव जिस तरह आप 10,000 रुपये दे रहे एकड़ को, हर साल 1 एकड़ को 10,000 रुपये देते बोले। अच्छा मुस्लिम्स के वास्ते 5% बजट का पैसा माइनॉरिटीज की डिपार्टमेंट को देते बोल के मैनिफेस्टो में जनता दल बोली। अच्छा कांग्रेस वाले बोले 10,000 करोड़ देती बोल के, अब 10,000 के बजाय 200 करोड़ भी नहीं है, 4% बात नहीं करना। वही 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 जो है हिजाब का मामला है, 4% का मामला है, ये पूछना कौन? जो वोटा दल है उन्हें पूछना, हमें तो वही इद्दत के देना हमारे पूरे हुए नहीं, हमें सब बेवा हुई। अब जो निकाह पड़े ना इन नहीं वो तो है नहीं फरीज उसके वास्ते वो फरीजा यस वो नहीं है, इसलिए वो फरीजा निभाने को वास्ते पहले बार जमात इस्लामी वालों से मेरी मीटिंग हुई 10 दिन पहले, उन्होंने पूरे जमात के लोग
थे उसमें मोतबर लोग, उनके पास मैं 5 सवाल रखा। पहला सवाल, स्टेट में थर्ड अल्टरनेटिव होना या नक्को, नंबर 2, जो मुस्लिम लीडरशिप है, मुसलमान तय करना की पॉलिटिकल पार्टी तय करना की, भाई हमारे एमएलए ने होना, ये फैसला कौन करना। मैं पहले से बोल रहा हूं, बैकवर्ड का सिद्धरामैया डिसाइड करता, दलित का खरगे डिसाइड करता, हाँ, लिंगायत का लिंगायत डिसाइड करते, मुसलमान का कौन डिसाइड करना, इनुस डिसाइड करना। 1,40,00,000-45,00,000 की आबादी है मुसलमान की आज रियासत है कर्नाटक में। 7% वाले उनका लीडर कौन होना कर बोल रहे हैं, 22% वाले हमें जो है दूसरे के घर के सामने अर्जी पकड़ ले खड़े, बाबा हमारे फातिहा पढ़ाओ, बाबा हमने दफनाने आओ। वैसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है ना, एक चीज उनके पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं उनके पास ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे लोग एक यही चीज जो है, मैं मुसलमानों के सिलसिले से यही जमात वाले के सामने रखा, उन्होंने बोले बड़ी अच्छी राय है, मुस्लिम एमएलए कौन होना, मुस्लिम आवाम फैसला करना, फैसला करके बोलना पॉलिटिकल पार्टी का, ऐसे को दियो नहीं दिए तो हम लोग खुद फैसला करना क्या करना कर, वो हुआ नंबर 2, 3, नंबर 4, बजट में हम ना ये बात दूसरे छोड़ डालो, आज दलित को तुम्हें 30,000 करोड़ दे रही, बैकवर्ड को 20,000 करोड़ दे रही, एक बकरा मर्याद 5,000 दे रहा सिद्धरामैया, यहां आदमी मर्याद 2,000 नहीं है। ये गवर्नमेंट के अंदर क्या एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं बन सकता, तो ये चीज जो है उनके सामने में रखी, ये खुददारी कौम के अंदर पैदा करना, इसका जवाब तुम्हारे पास है, साथ देते हैं ठीक है, नहीं अब तुम्हें भी होलसेल 5 साल में एक बार अगर उनके तरफ फतवा दे रहे हैं, हमें लोग सियासत से पीछे हट जाते हैं, छोड़ डालो ना। देखिए आप माहौल, वो लोग मजहबी मैदान में तो अपना रोल अदा नहीं कर रहे, अब वो मैं बोला तो कंट्रोवर्सी हो दिया, ये फैसला उलमा खुद तैयार करता है, तय कर लेना सियासतदान, ये बात रखना, मैं ये चाह रहा हूँ उलमा का यहाँ उनको कोई सियासी शौर ही नहीं है, करबला की हालत हो जाती है हमारे ऊपर, जब तक ये आप नहीं करेंगे। देखिए इसमें मुस्लिम लीडरशिप को उभारना उलमा का काम है, उनका काम ही नहीं है, वो सिर्फ चंदे वाले लोग हैं। नहीं नहीं, सभी तो चंदा दिया उसको लीडर बोलते हो, पूरे सभी तो ऐसे नहीं है, ऐसी राय बनना चाहिए, ये चंद 5-10% रहेंगे, लेकिन 90% जो है वो लोग एक अपनी ओपिनियन रखते हैं, खाने वाले अलग रहते हैं, अब इलेक्शन में मुसलमानों की रहनुमाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं सही रहनुमाई अगर वो कर रहा है, सही रहनुमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से फैसला होता था। देखिए मैं आप बता, इतनी पूरी वन साइड होकर वोट डाले, अब कोई मसला पूछ रहे नहीं, कोई आलिम पूछता नहीं, वही तो मालूम ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है, वही मेरा कहना ये, तो इसलिए मैं इसलिए उनसे कहा कि भाई आप गवर्नमेंट से पूछने की एक ताकत को पैदा करो, उसके वास्ते तुम्हें क्या करना, पूरा स्टेट फिरो, आवाम के अंदर बेदारी लाओ, हमें हमारी पार्टी के नाम पर नहीं करते, उलमाए कराम कर्नाटक पूरे तंजीमा जमात इस्लामी तबलीग जमात जमात उलमाए हिंद आले इस्लामी एक जब तंजीम है और भी मुत्तहिदा महाजन, हाँ हाँ, लोग इलेक्शन क्यों होती है, ये लोगों को ये पार्टियों को वोट दे, हाँ, लेकिन 5 साल तक गायब हो जाए, वही
मैं बोला ये तुम्हें करोना पहले आप नहीं नहीं वो तो इसमें जो है मैं इसलिए उनको बोला इसलिए उनको बोला मैं कि आप ये नहीं मुस्लिम पार्टीज बनाना वो भी अगर तुम्हारा नजरिया है बोलो हमें जो है बना को तुम ताकत मुस्लिम पार्टी WPI फेल हो गई ना नहीं वो फेल भी कर बोले तो अमित शाह को लोग 500 वोट डाले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जबकि उनके स्कूल में थे 5000 लोग तो ये उलमा से ये पांच चीजें उनके सामने रखा हूँ मैं चार ने ये पांचवा ये बजट के अंदर बजट के अंदर हमारा हिस्सा क्या हुकूमत में हिस्सा क्या इसी बुनियाद के ऊपर मैं कांग्रेस छोड़ के आया। अब हाल में आप देखिए MLC नॉमिनेट करें फिर और भी चार होने वाले हैं उसमें भी कोई नाम नहीं है मुस्लिम आपकी सीट किसको दी गई सुभाष वो तुम्हारा बसराज है रायचूर का बोसराज हाँ बोसराज को दिया तो ये मुझे मैं सीट छोड़ कर आया कांग्रेस अब बोलते नहीं नहीं तुम्हें कांग्रेस में रहते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते अरे जब 19 मुझे वोट दिया लीडर नहीं बने तुम्हें मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने अपोजिशन में रेस्ट तुम्हें नहीं करे आप बनाना था ना अब तुम्हारे पास आदमी आते बनाना था नहीं नहीं वो वैसे नहीं है खैर वो उनकी पार्टी की बात है मैं उसके बारे में डिस्कस करता नहीं कांग्रेस में भी लोग हैं ताकतवर हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की सलाहियत रखने वाले भी हैं लेकिन पार्टी उनको बनाना ये चीज़ें इसलिए मैं इनके सामने रखा जब तक तो आवाम को बेदार नहीं करते इलेक्शन के टाइम पे आके बोलना अलग इलेक्शन से पहले 4 साल 9 महीने हर तालुके में हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तंजीम जाको तालुके में आज तक मीटिंग करी बोलो कोई नहीं करे कोई नहीं करे तो ये की नहीं करे नहीं हमारे साथ उलमा मैं बोला तुम्हें सियासतदान और उलमा दोनों को साथ लेकर चलो दोनों को साथ अभय यहाँ नासिर है ठीक है MLA है फातिमा है उनको बुलाओ की नहीं पूछ रहे नहीं नहीं बिठा के पूछो नहीं 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 मिले तो तुम्हें फैसला करो तुम्हें फैसला अबे पूछने वाला तुम ना नहीं वही नहीं अब ये 2-3 साल भी उसमें गुजरते हैं अब हमारे लोग अभी शालपोशी गुलपोशी में बहुत अब ये मोबाइला करबला का मैदान है उस वक्त यजीद की आर्मी आज हुसैन के साथ एक आदमी भी नहीं ठहरता पूरे बोलते हुकूमत का साथ देना ईमान का हिस्सा है चलो बोल के बोल देते तो इसीलिए बोलते हैं ना तो ये तुम्हें जिसको आवाम चाहती आपसे उलमा की बात मेरा इख्तलाफ गुलबर्गा में या हर जगह व्यापारियों को भी इसमें नहीं आना चाहिए उन्हों कौन खयादत करने वाले कौन उनको इख्तियार दिया व्यापारी क्या खयादत क्या है नहीं हमारे पास तो कौन भी व्यापारी आए नहीं मुझे यहाँ का है यहाँ का मुझे नहीं मालूम लेकिन रियासत के अंदर काम भी अपना ये लोग सिर्फ क्या है चाहे उलमा हो या व्यापारी हो और कुछ तबके हैं ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए कौम की डीलिंग कर रहे उसी से तो सब लॉस हो रहा कोई सियासी सोच ही नहीं है देखेंगे इंशाल्लाह उनको ना प्राइम मिनिस्टर क्या होता मालूम है ना स्टेट का गवर्नर को है नहीं मालूम आप सवाल करें तो अब खुद पार्टी का सदर उनको जनरल सेक्रेटरी दिख रहा तब कैसा होगा क्या उन्होंने असेंबली के प्रोसीडिंग समझ सकेंगे असेंबली के क्या माने हैं क्या करना है ये सोचना चाहिए बेदारी पैदा करने के वास्ते बोले देखेंगे
सितंबर से लिख लीजिए, हम सितंबर से मुस्लिम तबके के अंदर खुसूसन एक बेदारी पैदा करने के वास्ते एक मुहिम, सियासी बेदारी पैदा करने के वास्ते एक मुहिम शुरू करना बोल के उसमें जमात इस्लामी आगे आई है, हम भी मीटिंग करके जो है आपका साथ आते हैं मुल्क। तो हम बोले हम नहीं बुलाते, आप ही बुलाओ। बोले हम आप ही इन्विटेशन दे, तंजीम का नाम दे, आप ही बुलाओ, पूरे सियासतदाना को बुला, डिस्कस करो कैसा करना क्या करना। जब तक सियासत, देखिए इसमें क्या है, केरला और कर्नाटक का फर्क आपको बोलता हूँ। केरला में 90% पोलिंग होती, बेंगलोर के होटल में सप्लाई करते रहता हूँ उन्हें, 600 रुपये टिकट दे के जाके वोट डाल के और 600 रुपये टिकट, 1200 खर्चा करके वोट डाल के उन्हें आता है। यहाँ हम ना वोट डालने आओ कर बोले तो उन्होंने आई नहीं ना, अब भी आई नहीं ना, 4 बजे तक निकलते नहीं बाहर। ये अगर रहा कौम का तो तुम्हें बीजेपी बीजेपी ये कब तक बोलते रहेंगे तुम्हें? बोलता ना ये बीजेपी का हवा जो है, बीजेपी की कांग्रेस कौन सी साहबा की जमात है? तो ये अब हमें बोलने गए तो क्या होता, वो खतल भी करते नहीं तो हम तो बोलने को चाहिए। अब वो हम शहादत के लिए तैयार होना पड़ता है। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, तैयार होना शहादत के वास्ते करकोश ना निकल गए। अब वो शहादत होना बोल कुछ निकल गए, अब बीजेपी से लड़े नहीं क्या 5 साल? मोदी NRC करे, ऐसे वैसे तकरीर करे, हमें लड़ने से ज्यादा आपस के लोगों को जरा हमसे लड़ना जरूरी है। कोशिश इंशाल्लाह अवाम का तावन मिलता बोल के मुझे यकीन है। अवाम से मेरी यही गुजारिश है, खैर गए बार वोट दिए, आप हमारा साथ नहीं दिए लेकिन हम आप लोगों का साथ छोड़ने तैयार नहीं, हमारा एक फरीजा बनता है। जीत हार अलग चीज़ है लेकिन दिल को दर्द होता, तकलीफ के टाइम पर हमें मारा खाने, हमें लड़ने, हमें कुर्सी पर जाकर बैठने दूसरे। 1400 साल से इस कौम के अंदर यही होते आया, करबला के अंदर लड़े वाले मोदी तोगड़िया नवे अपने लोग, तो इस बार का इलेक्शन देखे तो मुझे करबला का मैदान ही याद आया, ए नहीं तुम्हें खंडा खड़ा कर को। तो इसलिए आवाम से मेरी आजीजाना गुजारिश है, बेदार हो, सितंबर से हमें लोग निकलते हैं, साथ दो, बाहर आओ, हक को हक के वास्ते, जिस तरह केरला में आज कुछ हासिल किए हैं, तमिलनाडु में किए हैं, तेलंगाना में कुछ किए हैं, कर्नाटक में क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर वो करने की कोशिश जो है इंशाल्लाह दोबारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और सियासी पार्टी अब बोलते हैं जनता दल बीजेपी जाती क्या, ये तो क्लैरिफाई किया है देवेगौड़ा साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्लियर कट बोले हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता, बीजेपी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन मैं आवाम से पूछता हूँ, तुम्हें भी साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने जाना कहाँ? हाँ तुम्हें ढकेल रहे उनको, भाई पूछने वाले को तो जिंदा तो रखो ना। अच्छा उम्मीदवार अगर है, लड़ने वाला है, तो कम से कम उसे जिंदा तो रखो। खैर तुम्हारे वोटों से नई चीज से क्या, कम से कम तुम्हारी ताकत तो दिखाओ, तुम्हें 50,000 है दिखाओ, नेक्स्ट टाइम कांग्रेस को भी सबक मिलता। कौम बोले से कैंडिडेट को नहीं दिए तो कौम हराती, ये सबक कांग्रेस को भी होता। ये करो तुम्हें वो छोड़ डाल के तुम्हें दोड्डी में के बकरे एक तरफ भागे पूरे उधर ही भागे, तो फिर तुम ना तुम्हारी आवाज उठेगा कौन? आज कौन उठा रहा? 3 महीने हो गए इलेक्शन हो गए, हिजाब का क्या हुआ? 4% का क्या हुआ? हुबली के बच्चे, बेंगलुरु के बच्चे आज भी जो है 2-2 साल 3-3 साल उसमें 3-4 मर गए।
अरे उनको जमीन नहीं मिल रही, यूपा लगे उसके ऊपर, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, निकाल सकते तुम्हें, कम से कम उनको बेल दो। अरे वो भी नहीं हुआ, गुलबर्गा से उनके गवाह बल्लारी हुबली में बड़ी जेल है, कम से कम वो जेल को तो उनको खाने के मोहताज है बच्चे, वो हम सुन रहे नहीं है, उलमाए कराम सुन रहे नहीं। एक चीज याद रखो, अल्लाह को जवाब देना है। हमें क्या कि जाहिलों को आखिरत के मैदान में निकल गएंगे, तुम्हें पूरा पड़ोस वाले तुम्हें सब पढ़ते वहां, तुम्हें हर चीज जानने वाले, आज भी तुम्हारी इज्जत करते हैं हमें, आज भी तुमने पूरे उलमाए कराम को खांदे बिठा ले, हमें फिरने वास्ते तैयार है, कम से कम हक ना हक समझ को तो भी बोलो, नहीं बुला को पूछो, हम ना बोलो पूछो, अब तुम्हें चेक गुलबर्गा का फैसला, दोनों कैंडिडेट को बुला के बातचीत करना था, तुम्हें फैसला तुम्हें देना था, कौन इसमें कौन अच्छे कौन बुरे कर। खैर, हर 5 साल को इलेक्शन होता, मेरी ख्वाहिश यही है आवाम जागे, उलमाए कराम भी जागे और एक राह रास्ता दिखाए, खौम सही रास्ता हो। वोट देने का मान नाम गवाही है, झूठी गवाही देना अल्लाह के सामने सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सब कुछ बोले, मुसलमान गलत भी कर सकता लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोलता। आज हमें हुजूर की उम्मत ही है, वो वास्ता देके मैं आपसे अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी फरमा कर आगे जो है सही सोचें, सही फैसला करें। सितंबर से आते हैं हम सब लोग, निकलते हैं, तुम्हारा ताउन और तुम्हारी मदद हम ना दे दें, अल्लाह ताला हम ना ताकत दे दें। दुआ करो, हमें लड़ने पर तैयार हैं, मरने पर तैयार हैं, दुआ तुम्हें करो, कोशिश हमें करते, इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला देगा, ये हमने यकीन है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल्स सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।